हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू फिजिक्स 404 IIT-JEE नीट। चलिए आज हम एक कोलिजन की प्रॉब्लम लेते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। आपके सामने थ्री आइडेंटिकल बॉल्स दी हुई है, इसका मास m है। आपको पता है तीन आइडेंटिकल बॉल है, अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो इनके सेंटर्स को मिलाते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। ये फर्स्ट बॉल है, सेकेंड है, थर्ड। प्रॉब्लम आ रही है कि सेकेंड और थर्ड एक दूसरे कांटेक्ट में रखी हुई थी और फर्स्ट बॉल एक होरिजेंटल प्लेन में सारा प्रोसेस चल रहा है, सेकेंड थर्ड कांटेक्ट में थी। फर्स्ट बॉल एक वी स्पीड से सिमेट्रिक आते हुए इस पे कोलाइड करती है और आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल जो है ये रेस्ट पे आ जाती है। तो अगर आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ जाती है तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये डायग्राम बना रखा है, जस्ट ये कॉन्टेक्ट में आई है, ये वी स्पीड है। आपको पता है कि सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए C1, C2, C3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में डॉटेड लाइन बना रखा है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। और फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल का भी कोलिजन है, फर्स्ट और थर्ड से भी है, तो ये जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, लाइन ऑफ इंपैक्ट कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो भी 30 डिग्री है और ये कंपोनेंट है वी कॉस 30 और ये वी कॉस 30 कितना होगा, वी कॉस 30 ये आपके पास आ जाएगा, वी कॉस 30 वी रूट 3/2। ये इस लाइन में भी वही सिमेट्रिक कोलिजन हो रहा है, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट ड्रॉन फर्स्ट और सेकेंड के साथ, फर्स्ट और थर्ड के साथ अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वी रूट 3/2 जिसका भी रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट यूज करना है। चलिए आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ होगा, तो डायग्राम देखते हैं आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ होगा। थोड़ा सा मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा दोनों को। ये लाइन है और मान लेते हैं इस लाइन के लिए ये वाली बॉडी ऐसे वी स्पीड से और एक लाइन ये होगी, इस लाइन पे ये वाली बॉडी एक वी स्पीड से, बॉडी टू, बॉडी थ्री और बॉडी वन रेस्ट पे आ गई। प्रॉब्लम की डिमांड ऐसा बोला जाता है। ये वी स्पीड से आप देखे बहुत से दोनों बॉडीज को मैंने वी स्पीड से इसे चलाया हुआ है क्योंकि सिमेट्रिक कोलिजन है, जैसा इसके साथ है वैसा इसके साथ, जो स्पीड इसको मिलेगी वही इसको मिलेगी वी स्पीड से और ये एंगल भी 30 डिग्री होगी। आपको पता है कोलिजन कोई भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जरा ध्यान देखें टक्कर के पहले बिफोर द कोलिजन आपके पास इनिशियल मोमेंटम जो था वो फाइनल के बराबर होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम एम मास की बॉडी थी, होरिजेंटल डायरेक्शन वी स्पीड जा रही थी मैं, तो एक्स डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं अलोंग एक्स, तो वी वेलोसिटी से एम मास की बॉडी थी, होरिजेंटल जा रही थी, मोमेंटम था एम इनटू वी इज इक्वल टू, और ये भी थी तो सपोज इनकी वेलोसिटी v' मान लेते हैं, सॉरी फॉर दैट v' मान लिया, एम इनटू वी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मास भी हम ये v' से जाते मान है, इसका ये कंपोनेंट कितना है v' cos 30 और इसका भी v' cos 30, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m v' cos 30 m v' cos 30, तो हम लिख सकते 2 mv' cos 30 डिग्री। क्लियर, वर्ड का भी बात करूं तो ये v' sin 30 होगा, जितना ये मोमेंटम अपवर्ड बनाएगा उतना ये v' sin 30 बना के एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वर्टिकल में, यानी कि y डायरेक्शन कोई मोमेंटम नहीं आएगा, मैंने ये x और y मान लिया। ठीक है, तो यार तो ये एम से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2v' cos 30 होता है रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, v' आपके पास आएगा v बाई रूट 3। अब देखिए हम लगाने जा रहे हैं रेस्टिट्यूशन लॉ, लगाया e होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो गॉस देखें आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट फर्स्ट और सेकंड देख लें या फर्स्ट और थर्ड देख लें, इसकी v' है और इसकी 0 है, तो आपके पास आएगा v' माइनस 0 अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच में इसकी 2 की 0 है और इसकी v cos 30 यानी v रूट 3/2 है, तो v रूट 3/2 माइनस 0। v' से निकाल जो v बाई रूट 3 है, v बाई रूट 3 अपॉन v रूट 3/2, ये v से v कैंसिल, 2 ऊपर भेज दें, e इक्वल टू 2/3 और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और आंसर। तो ध्यान दें इसमें की पॉइंट यही है कि आपको सिमेट्रिक कोलाइड कर रहे हैं,
इसलिए दोनों की स्पीड वेलोसिटी सब कुछ सेम होगा। ये हमने ले लिया। हमने यहाँ पे दो लॉ यूज किए, एक रेस्ट्रिक्टिव लॉ यूज किया है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है। ऑब्लिक कोलिजन की है, मोर देन टू बॉडीज की है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।